बीते ज़माने के अभिनेत्रियों में से कुछ ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें समय ने भुला दिया, कुछ ऐसी हैं जो अपने चाहने वालों की यादों में आज भी बसी हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो एक पूरी पीढ़ी को लगातार इंस्पायर करती रही हैं। ऐसी एक अदाकारा का नाम है सायरा बानो। अपनी दिलकश अदाओं से सबको दीवाना बनाने वाली सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। सायरा की माँ नसीम बानो अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस में से एक रही हैं। सायरा का अधिकतर बचपन लंदन में बीता, जहाँ से पढ़ाई खत्म करके वह भारत लौटी थी। उन्हें स्कूल से ही एक्टिंग में काफ़ी लगाव था और स्कूल में भी उन्होंने अभिनय में कई पदक जीते। महज 17 साल की उम्र में ही सायरा बानो ने बॉलीवुड में अपनी पारी की शुरुआत की। वह साल 1961 में आई शम्मी कपूर की फिल्म जंगली में पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म जंगली सुपरहिट रही शंकर जयकिशन के मीठे गीतों की वजह से और शम्मी कपूर के विद्रोही तेवरों की वजह से सायरा बानो की बम्बैया सिनेमा में धूम मच गई। 23 अगस्त 1944 को जन्मी सायरा बानो के बारे में विस्तार से जानने के पहले 30 के दशक की ग्लैमरस नायिका नसीम बानो को जानना ज़्यादा जरूरी है। उस दौर में फिल्मों में आने वाली लड़कियां प्राय निचले तबकों से हुआ करती थी। ऊंचे रईस खानदान की नसीम ने जब फिल्मों में आने की जिद की तो परिवार का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन सोहराब मोदी जैसे निर्माता निर्देशक ने नसीम को फिल्म हेमलेट में ओफीलिया के रोल का ऑफर दिया तो सबका गुस्सा काफूर हो गया। नसीम की किस्मत जागी फिल्म पुकार से। जहांगीर के न्याय पर आधारित इस फिल्म में नसीम ने नूरजहां का किरदार चंद्रमोहन के साथ निभाया था। अपनी ही आवाज़ में गाना भी गाया था, जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज़ है। नसीम 30 के दशक की तमाम तारिकाओं में सबसे अधिक हसीन और शौख थी, इसलिए उन्हें ब्यूटी क्वीन के नाम से प्रचारित किया जाता था। जब सायरा बानो को फिल्मों में लॉन्च किया गया तो माँ का ताज उनके सिर पर रखा गया। नसीम बानो की उल्लेखनीय फिल्मों में चल चल रहे नौजवान, उजाला, बेगम और चांदनी रात प्रमुख थी। नसीम बानो ने एहसान मियाँ नामक एक अमीरजादे से निकाह किया था। उन्होंने नसीम की खातिर कुछ फिल्मों का निर्माण किया था। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1941 को मसूरी में हुआ था। सायरा की नानी शमशाद बेगम दिल्ली की मशहूर गायिका थी। भारत पाक के विभाजन के बाद एहसान मियाँ पाकिस्तान जा बसी। नसीम बेटी सायरा और बेटे सुल्तान को लेकर लंदन जा बसी। सायरा की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। छुट्टियाँ मनाने सायरा जब भारत आती तो दिलीप कुमार की फिल्मों में शूटिंग देखने घंटों स्टूडियो में बैठी रहती। सायरा बानो ने साक्षात्कार में यह माना कि जब वह 12 साल की थी तब से अल्लाह से इबादत में मांगती थी कि उसे अम्मी जैसी हीरोइन बनाना और श्रीमती दिलीप कुमार बनकर उसे बेहद खुशी होगी। सायरा ने 1959 में बॉलीवुड में प्रवेश किया। नसीम के पुराने दोस्त रहे फिल्मालय के ससधर तथा सुबोध मुखर्जी ने फिल्म जंगली में शम्मी कपूर के साथ सायरा को लिया। सन 1960 के दशक में सायरा की कई सुपरहिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने लगी थी। उन दिनों राजेंद्र कुमार को जुबिली कुमार के नाम से पुकारा जाने लगा था। राजेंद्र के अभिनय में दिलीप साहब की पूरी परछाई समाई हुई थी। सायरा का दिल राजेंद्र पर फिदा हो गया, जबकि वो 3 बच्चों वाले शादीशुदा व्यक्ति थे। माँ नसीम को जब ये भनक लगी तो उन्हें अपनी बेटी की नादानी पर बेहद गुस्सा आया। उन्हीं दिनों उन्होंने दिलीप कुमार के पाली हिल वाले बंगले के पास जमीन खरीद कर घर बनवा लिया था। नसीम ने पड़ोसी दिलीप साहब की मदद ली और उनसे कहा कि सायरा को वे समझाएं ताकि राजेंद्र कुमार से पीछा छूटे। बेमन से दिलीप कुमार ने यह काम किया, क्योंकि वे सायरा के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे और शादी का तो दूर दूर तक इरादा नहीं था। जब दिलीप साहब ने सायरा को समझाया कि राजेंद्र के साथ शादी का मतलब है पूरी ज़िंदगी सौतन बनकर रहना और तकलीफें सहना, जब पलटकर सायरा ने दिलीप साहब से सवाल किया कि क्या वे उससे शादी करेंगे, सवाल से शक पकाए दिलीप कुमार उस समय तो कोई जवाब नहीं दे पाए। मगर 11 अक्टूबर 1966 को उन्होंने अपनी 44 साल की उम्र में 22 साल की सायरा से बाकायदा शादी रचा ली। दूल्हे दिलीप कुमार की घोड़ी के लगाम पृथ्वीराज कपूर ने थामी थी और दाएं बाएं राज कपूर तथा देवानंद नाच रहे थे। दिलीप कुमार ने कोई चट मंगनी पट ब्याह की स्टाइल नहीं अपनाई थी। नसीम और सुबोध मुखर्जी को इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। दिलीप साहब चेन्नई में एक फिल्म की शूटिंग के समय बीमार हो गए। फौरन सायरा ने फ्लाइट पकड़ी और चेन्नई जाकर नर्स की तरह दिलीप साहब की सेवा में जुट गई। महाबलेश्वर में भी दोनों की मुलाकातें हुई। आखिर उनका झुकाव सायरा की ओर होने लगा, क्योंकि वे कामिनी कौशल तथा मधुबाला से निराश हो चुके थे। दिलीप कुमार के भीड़भाड़ वाले घर में सायरा का ज़्यादा दिनों तक मन नहीं लगा। वे उसी मोहल्ले में मां के साथ रहने लगी। सायरा ने फिल्मों में काम जारी रखा। दिलीप साहब के अलावा भी वे दूसरे नायकों की नायिका बनती रही। फिल्म विक्टोरिया 203 के समय वे गर्भवती थी। शूटिंग लगातार करते रहने से उन्होंने मृत शिशु को जन्म दिया। इस दुर्घटना पर दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। कुछ समय के बाद दिलीप सायरा के बीच अस्मा नामक एक खूबसूरत महिला आकर खड़ी हो गई। कहा जाता है कि यह एक साजिश के तहत रचा गया प्लान था। 30 मई 1980 को उसने बंगलोर में दिलीप कुमार से शादी की।
समय रहते दिलीप साहब ने उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन 3 साल तक वे झूठ बोलते रहे कि उनकी कोई दूसरी शादी नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि दिलीप साहब के दिल में पिता कहलाने की एक ललक थी, जिसे वे शायद अस्मा के जरिए पूरी करना चाहते थे। दिलीप कुमार को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव में इस पुरस्कार को लेने के लिए सायरा बानो पहुंची। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को दुनिया से गए 1 साल होने वाला है। पेयराजी विरल भयानी ने इस इवेंट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सायरा बानो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से दिलीप कुमार के लिए सम्मान लेती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में रामदास अठावले जैसे ही दिलीप साहब के बारे में बात की, वह टूट गई और अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाई। सायरा ने कहा कि यही कारण है कि उन्हें कार्यक्रमों में शामिल होना पसंद नहीं है, क्योंकि इससे वह भावुक हो जाती है। प्रेस से बात करते हुए सायरा ने कहा कि उन्हें लगता है दिलीप अब भी उनके करीब हैं और सब कुछ देख रहे हैं। दिवंगत एक्टर के लिए भारत रत्न के बारे में बात करते हुए सायरा ने कहा, ऐसा होना चाहिए क्योंकि दिलीप साहब हिंदुस्तान के लिए कोहिनूर रहे हैं, इसलिए कोहिनूर को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार रहे दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। दिलीप कुमार के निधन के बाद अपनी शादी की 56वीं सालगिरह से पहले सायरा बानो ने उन्हें याद करते हुए कहा कि ख्यालों में हम आज भी एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों शुभचिंतकों का आभार भी जताया।